सब्सक्राइब कीजिए देसी इंडियन फूड को एंड प्रेस द बेल आइकॉन। आज हम बनाएंगे आलू और टमाटर की सूखी सब्जी। तो उसके लिए यहाँ पे हमने ले लिया है आधा किलो आलू, इसका छिलका हमने निकाल लिया है और इसे हमने कट कर लिया है। यहाँ पे हमने लिया है 4 टमाटर, लहसुन, करी पत्ता, मिर्ची, धनिया पत्ती, जीरा, गरम मसाला और नमक, कढ़ाई। और अभी इसमें हम डालेंगे 4 चम्मच सरसों का तेल। गर्म हो चुका है तो इसमें हमने डाला है 1 चम्मच जीरा, लहसुन और करी पत्ता। डालेंगे बारीक कट किया हुआ मिर्ची। सेकेंड के लिए सौते कर लेंगे आलू और इसे भी हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। गरम मसाला, नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा कर सकते हो, मिक्स कर लेंगे। मिनट के लिए ढककर पका लेंगे स्लो मीडियम फ्लेम पर। मिनट हो चुके हैं, डालेंगे बारीक कट किया हुआ टमाटर। ढककर 10 मिनट के लिए स्लो मीडियम फ्लेम पर पका लेंगे ताकि हमारा जो टमाटर है वो अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। मिनट हो चुके हैं और इसे हम एक बार चला लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारा जो टमाटर है वो अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुका है। डालेंगे पानी, 1.5 ग्लास ले लिया है, अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। कर 10 मिनट के लिए स्लो मीडियम फ्लेम पर पका लेंगे। 10 मिनट हो चुके हैं, डालेंगे बारीक कट किया हुआ धनिया, अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और अभी हमें गैस का फ्लेम ऑफ कर लेना है। देख सकते हो कि हमारी आलू और टमाटर की जो सब्जी है वो बनकर रेडी हो चुकी है, तो इसे हम एक प्लेट में सर्व कर लेंगे। आप देख सकते हो कि हमारी आलू और टमाटर की जो सब्जी है वो बनकर रेडी हो चुकी है। अगर आपको मेरा ये रेसिपी अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए।